कोई इतना भी गिर सकता है क्या? लेकिन मुझे आज लग गया कि गिरने वाले तो किसी भी हद तक के गिर सकते हैं। अभिषेक मलहान की तबीयत खराब हुई तो कुछ लोग बहुत ही सदमे में, खास करके उनके फैमिली वाले, जब उन्हें पता चला कि अभिषेक की तबीयत बिगड़ी, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। काफी सारे लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभिषेक को बद्दुआ दे रहे हैं। उस पर अभिषेक की बहन का भी रिएक्शन सामने आया। दरअसल ट्विटर पर काफी बातचीत चलती है जो कि आप देखते हो। एक फैन ने क्या कहा है, सुनिएगा अपने कानों से। हाँ बोलिए, आप जो हाथ उठा रहे हैं बोलिए बोलिए। अभिषेक जो हॉस्पिटल गया वो मर गया तो मजा आएगा यार। सुना आपने, अभिषेक जो हॉस्पिटल गया है मर गया तो मजा आएगा, सोचिए। उस पर प्रेरणा मलहान का भी रिएक्शन सामने आया कि वाओ स्लो क्लैप्स, मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसी बातें करते हैं। दिस इज अ शो, ये कोई किसी की जिंदगी नहीं है शो। कौन जीतेगा कौन हारेगा, दो दिन की खुशी दो दिन का गम, उसके बाद चीजें खत्म। आज ये शो कोई भी जीते यार, जो भी जीते, लेकिन आप किसी को बद्दुआ दे रहे हो, कितनी गिरी हुई हरकत कर रहे हो कि अभिषेक अगर हॉस्पिटल में गया मर जाएगा तो मजा आएगा। कितनी, मतलब मैंने जब ये आवाज सुनी है ना, तो मतलब मेरा दिल ऐसा हो गया कि मतलब कोई इतना गिर सकता है यार इस शो में, मतलब इसके लिए सिर्फ। शेम ऑन यू गाइस, शेम ऑन यू। किसी का बच्चा है, किसी का भाई है, कोई इसकी बहन है, मतलब वो उसने सुनी आवाज, उसको इतना बुरा लगा होगा, शर्म आनी चाहिए। और शर्म के मारे आप लोग को डूब के मर जाना चाहिए जिसने भी ये बात बोली है।